हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। तो फ्रेंड्स, आज मैं अपना व्लॉग शुरू कर रही हूँ इवनिंग से, और इवनिंग में अब मैं बना रही हूँ चाय मम्मी के लिए। तो इधर मैंने दूध बॉइल्ड होने के लिए रखा था, दूध बॉइल्ड हो चुका है और बस मम्मी के लिए अब चाय बना देती हूँ। तो मम्मी पीती हैं सौंफ वाली चाय, वही बना रही हूँ। और हस्बैंड ऑफिस से अभी आए नहीं हैं, जब उनकी चाय बनाऊँगी अपने लिए मैं तभी बनाऊँगी। और इधर जो सूखी मटर होती हैं, इनको मटर अभी बोलते हैं, वो मैंने सुबह भिगो कर रख दिया था, इनको बॉइल्ड होने के लिए रख रही हूँ। मैंने नमक डाल दिया है इसमें। तो मटर के छोले बनाऊँगी और मैं कुलचे मंगाऊँगी मार्केट से। वैसे मैं इनको लंच टाइम में ही बनाती हूँ, लेकिन आज ही बना रही हूँ डिनर में, क्योंकि बच्चे जो भी सब्ज़ी बनाती हूँ ना, वो मन से खाते ही नहीं है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा था, मैंने कहा चलो ये मन से खा लेते हैं, वो तो आज यही बना लेती हूँ। तो मैंने इस सौंफ को अच्छी तरह से पका लिया था, उसके बाद चीनी और चाय की पत्ती भी डाल दी है, और बस अब इसमें मैं दूध डाल रही हूँ और थोड़ा सा बॉइल्ड होने देती हूँ। और मम्मी को चाय देने के बाद मैं कर लूँगी शाम की पूजा, और जब तक मैं पूजा करके आऊँगी तब तक ये मटर जो मैंने बॉइल्ड करने के लिए रखी है ये भी बॉइल्ड हो जाएगी और हस्बैंड भी आ जाएंगे। तो बस तभी मैं अपनी भी चाय बनाऊंगी और उसके बाद डिनर की तैयारी करूंगी। और मम्मी तो मटर के छोले खाएंगी नहीं, उनके लिए लौकी वगैरह बना दूंगी। और ये देखिए मटर बॉइल्ड हो गई थी, तो मैंने इनको कुकर में से निकाल लिया है, और उधर कुकर में जो आप देख रहे हैं उसमें हम लौकी की सब्ज़ी बना दी है मम्मी के लिए। तो मटर में डालने के लिए मैं काट रही हूँ प्याज, और ये मैं थोड़ी सी प्याज तो डालूँगी फ्राई करने के लिए, और बाकी मैं ऊपर से डालूँगी। और जो मैं मटर बनाऊंगी तो इसमें मैं दो आलू भी मैंने बॉईल करके रखे हुए थे, वो भी मैं डाल दूंगी। और ये लिए हैं मैंने दो तीन टमाटर, इनको बारीक बारीक काटने के बाद मैं थोड़ा सा इनको भी फ्राई करने में डाल दूंगी, और बाकी का टमाटर मैं ऊपर से डालूंगी। हरी मिर्च तो मैं बाद में ही डालूँगी सारी। और ये लीजिए कुलचे भी आ चुके हैं, तो ये बच्चे कुलचे लेकर आए हैं मसाले वाले, एक प्लेन भी होते हैं ना, तो ये मसाले वाले लेकर आए हैं। और ये है इमली का पेस्ट, इसको मैं थोड़ा सा पानी डालकर पतला करूँगी और उसके बाद इसे बाद में डालूँगी। फ़िलहाल मैं मटर बना लेती हूँ। तो मैंने कढ़ाई में घी डाल दिया है थोड़ा सा, और इसके बाद मैं बता रही हूँ ना कि थोड़ी सी प्याज डालूँगी इसमें, तो थोड़ी सी प्याज मैं इसमें फ्राई करने के लिए डाल दूँगी। और जब प्याज अच्छे से फ्राई हो जाएंगी तो इसमें मैं टमाटर डाल दूंगी, थोड़े से, सारे नहीं डालूंगी, थोड़े से मैं बाद में डालूंगी और थोड़ा सा फ्राई करने में। कभी कभी जैसे कोई चीज़ कुछ चेंज करके बना लो ना, तो थोड़ा अच्छा रहता है, बच्चों का टेस्ट चेंज हो जाता है। जैसे वही डेली रोटी सब्जी खाने में मना करते रहते हैं, मैंने कहा चलो आज यही बनाती हूँ। काफ़ी दिन भी हो गए थे बनाए हुए। तो ये मैंने अदरक डाल दिया है, अदरक मैंने कस के रखा हुआ था, और इसमें बाकी मसाले डाल रही हूँ मैं। इसमें धनिया, गरम मसाला और ये काली मिर्च पाउडर, और मिर्च मैं अभी इसमें नहीं डालूँगी, मिर्च पहले मम्मी के लिए थोड़ा सा निकाल दूँगी, उसके बाद में मिर्च डालूँगी। ये नमक डाल दिया है मैंने, नमक तो टेस्ट के अकॉर्डिंग डालना है, और बॉयल करते इसमें भी डाला था मैंने, और थोड़ा सा चाट मसाला डाल दिया। और ये मैंने पूरा एक नींबू लिया है, इसका रस निकाल कर मैंने कटोरी में रख लिया था, और ये बॉइल्ड जो आलू बताए थे ना वो भी मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ, और आधा चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अमचूर पाउडर, और ये जो इमली का पेस्ट था ना वो भी मैं डाल रही हूँ, इसको मैंने लिक्विड कर दिया था थोड़ा सा। और बस अब सबसे लास्ट में डाल देती हूँ जो मटर बॉइल्ड करके रखी हुई थी, वो इसमें डाल रही हूँ मैं। और ये थोड़ा सा पक जाएगी ना, तो पानी जैसे सूख जाएगा, तो उसके बाद मैं थोड़ा मम्मी के लिए निकाल लूँगी, और फिर मैं डालूंगी लाल वाली मिर्च, जो देगी मिर्च होती है वो मैं बाद में डालूंगी। तो अब मम्मी के लिए मैं निकाल चुकी हूँ, तो अब डाल रही हूँ मिर्च, डेढ़ चम्मच मैंने देगी मिर्च डाल दिया। ये हमारे यहाँ ज़्यादा स्पाइसी नहीं खाते, तो मैं बस इतना ही डाल रही हूँ, देगी मिर्च ज़्यादा तीखी नहीं होती। ये देखिए मटर के छोले, थोड़ा सा हल्का सा रेशा लग रहा है अभी इसमें, क्योंकि ये थोड़ा गर्म है, और जब ठंडा हो जाएगा ना तो बहुत गाढ़ा हो जाएगा ये।
और ये इसमें जो कटी हुई प्याज रखी हुई थी वो भी मैंने इसमें डाल दी है। तो गैस मैंने बंद कर दी है और ये जो नींबू का रस था, एक नींबू का रस, उसे भी इसमें डाल रही हूँ मैं। और टमाटर, हरी मिर्च वगैरह जो मैंने रखे हुए थे काट कर, वो भी इसमें डाल रही हूँ। और कटा हुआ हरा धनिया डालकर तो ये मटर के छोले और भी टेस्टी लगते हैं। तो हरा धनिया मैं पहले ही यूज़ कर चुकी थी, इसलिए इस समय हरा धनिया तो नहीं था। कोई बात नहीं, वैसे भी ये बहुत टेस्टी बनी है। तो बस अब मैं खाना खिलाना शुरू करती हूँ। और कुलचे तो रेडीमेड हैं ही, उनको बस सेकना है। और ये मैंने सलाद काटा हुआ था तो मैंने चाट मसाला इस पर भी डाल दिया है। तो बस कुलचे सेकने मैंने शुरू कर दिए हैं, हो गया है डिनर तैयार। आ जाइए आप सब भी खा लीजिए। और मटर के छोले बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो बस कुलचा मैंने बटर में नहीं सेका था, देसी घी में सेका है। और मैंने प्लेट लगा दी है। तो बस फ्रेंड, यही एक छोटी सी क्लिप थी जो मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और बताइएगा आप लोग डिनर में बनाते हैं या लंच में बनाते हैं मटर के छोले और कुलचे, और कैसे बनाते हैं आप। ओके फ्रेंड्स, बाय बाय एंड टेक केयर।